या तो खर्चा नहीं बताते हो, एक बार आप लोकेशन चेक करो, बस यहाँ से थोड़ा सा ही रह गया है खर्चा भाई। स्प्लेंडर में पहाड़ों वाली मैगी की मैगी चियर्स। चढ़ के जाना है हमें, झरना चढ़ के ऊपर जाना भाई, एकदम कड़कड़ाती ठंड, क्योंकि मैगी खाने के बाद हम फिर दोबारा घूमते थे। अब हमें यहाँ झरने पर आना, देखते हैं झरने पे कितना गहरा है और क्या क्या झरने देखने को मिलेंगे। आजा आजा उल्टे करके आना गौतम, आराम से ही हो। ये देखो इस तरह, ये देखो एक्सरे निकलवा रहे हैं, उस्ताद का एक्सरे लग गई थी चोट। चलो यार नहा ही लेते हैं, बहुत दिन हो गए नहाए भी नहीं है, गर्मियां भी आई गई हैं अब तो। अबे पानी नहीं आ रहा यार। तो पानी खत्म हो गया मेरे भाई यार, लाइट भी नहीं आ रही। चलो पहाड़ों पे चल रहे नहाने यार, चलो। सच में? और मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, चलो यार चलो। फिर लाओ बाइक की चाबी दो ले। लाओ चल। चलो यार आओ चल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों मैं ललित पांडे आपका स्वागत करता हूं एक और नए व्लॉग में। तो दोस्तों आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि देहरादून में जो है गर्मियों की शुरुआत हो गई। आप देख ही सकते हो हम टी शर्ट वगैरह में आ गए हैं, देहरादून में दिन में अच्छी खासी गर्मी पड़ने लगी, तो समझ आ गई है। तो अब जाएंगे हम नहाने, एक बहुत ही प्यारी सी लोकेशन है जिसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, देहरादून से 30 किलोमीटर ही दूर है वो मेरे यहाँ से। तो अब तो भैया रोज नहाने जाया करेंगे और तो रोज आपको नहाने वाले व्लॉग मिलाई करेंगे, रोज ही नहाए। इससे पहले नहाया था तू गंगा स्नान पे, फिर सर्दी को कब नहाया था? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है, प्यारी पॉइंट मार रही है। तो चलो दोस्तों बने रहो, अब चलते हैं यहाँ से लोकेशन पे। कभी धूप आ रही कभी धूप जा रही है, समझ में नहीं आ रहा ये नहाने देगी कि नहीं नहाने देगी, क्योंकि गर्मियां तो आ गई है। देखो पतझड़ का मौसम आ गया है। तो गौतम भाई नहाएगा क्या करेगा बता भाई, सच बताएंगे नहाएगा, पक्की बात है बुलाएंगे। तो भाई अब गौतम भी आने वाले ब्लॉगों में तुम्हें देखने को मिलते रहा करेगा। आ गया है, बस किमाड़ी पहुंचने वाले हैं। है वाकई में नजारा है यार पहाड़ों में। जो बेचारे हमें, अगर मेरा व्लॉग कोई शहर वाला देख रहा हो तो प्लीज डोंट बी ज्वेलस कि हबीबी कम टू देहरादून। ये देखो गाइस कितनी सुंदर सी सड़कें, जो चीड़ के पेड़ देखने को मिल रहे हैं आपको, ये पहाड़ों में होते हैं, मतलब गढ़वाल में कम होते हैं, कुमाऊं में ज्यादा होते हैं, मेरे साइड को ज्यादा है, लेकिन इस हाँ जम्मू में तो ज्यादा ही है। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन गाइस, गौतम जम्मू से है। तो भाई आज 4 मिलियन की फैमिली है हमारी, 4 मिलियन दो मिलियन की फैमिली है। तो भैया मिल बांट के हो अंदा मोड़ आगे भी देख लो, आगे बिल्कुल प्रो राइड रूम में। दीपांशु भैया पूरे गुस्से में आगे भैया। तो भैया से सब्सक्राइब कर लेना, गौतम फिटनेस है, गौतम सिंह जस्ट अभी स्टार्ट किया, तो स्टार्टअप है गाइस हम दोनों का। फॉलो करो, सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और हमारी बकवास भी सुनते रहो। एक कमेंट पढ़ा था मैंने, उसमें बोल रहे थे कि भाई आप सोलो को क्यों नहीं जाते, दोस्तों के साथ क्यों जाते हो? तो उसका एक रीजन ये है कि भाई जो दोस्त लोग होते हैं ना, जो ये लोग होते हैं ना, वो जो है दुख को घटाते हैं और सुख को बढ़ाते हैं, इसलिए मैं हमेशा दोस्तों के साथ जाता हूँ। और आप भी दोस्तों के साथ ही जाया करो तो ज्यादा अच्छा रहता है यार। देखो कितनी खूबसूरत सी वादियां हैं। है? तो बोल रहे थे यहाँ आने के लिए, आप बताओ कि कितना खर्चा लगता है, आप जहाँ भी जाते हो खर्चा नहीं बताते हो, एक बार आप लोकेशन चेक करो, बस यहाँ से थोड़ा सा ही रह गया है खर्चा भाई। स्प्लेंडर में लगता है ना भाई 100 रुपए का तेल देहरादून से, एवेंजर में लगता है 150 रुपए का, बुलेट में लगता है 200 रुपए का, और कार कूरे अगर ऑल्टो ऑल्टो है तो भाई बहुत से बहुत तुम्हारा 300-350 का, थार है तो भाई 700 रुपए का डलवा के आना तेल और मजा आ जाएगा। सामने वो वहां पे है लोकेशन, वहां जाना है हमें देख लो, और हाथ में अपने मैगी मैगी बनाएंगे खाएंगे और नहाएंगे गाइस। पूरी किस्मत इसे ही कहते हैं, क्यों बात आप क्या कहेगा, सही बात है यार, ठंडोरी भाई यहाँ ठंडोरी, और हम आगे देख रहे हो टी शर्टों में आ गए हैं और गजब की ठंडोरी, आप पता नहीं कैसे नहाएंगे, लेकिन आए हैं तो नहा के तो जाएंगे। बस वो लोकेशन आ गई है, यहाँ नीचे पूल वगैरह है लेकिन हम यहाँ नहीं नहाएंगे, लोगों ने मूत रखा होगा यहाँ नहीं। अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है। अरे वो गाइस आ गई है अपनी लोकेशन जहाँ पे जाना है, चलो 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 आइए दीपांशु, ये गाइस लगा देना। और फाइनली गाइस ये अपनी लोकेशन आ गई, वो आपको पीछे दिखाते हैं ये झरना, अपन जाएंगे यहाँ से ऊपर चढ़ के जाएंगे, ऊपर नहाएंगे ठंडी सी लोकेशन पे। और चीतो मौसम भाई, एक बार मौसम देख लो, बिल्कुल बादल बादल लग रहे हैं भाई आसमान में, और तगड़ा मौसम हो रहा है।
हम लोग आ गए कच्चे में, मैं और दीपांशु आ गए थे कच्चे में ऐसी, और ये गोलू रह गया तेज भाई, ये जैकेट वैकेट डाल के आया कुछ इस तरह का, और मौसम देख लो ठंड हो ही रही है, बादल हो रहा है, बादल बादल। भाई मैं पिछली बार जब नहाया था तब भी नहीं नहाया था, इस बार आऊं अब भी नहाने का लक्षण यार, लेकिन नहा के तो जाएंगे यार भाई। तो भाई एक ऐसी लोकेशन आ रखी जहाँ पे मतलब बड़ी उतरने में बड़ी दिक्कत होती है, आराम से जाना होता है, ये देखो कुछ इस तरह है भाई, फंस फंस के जाना है, आराम से जाना ठीक है। क्या पाँव फिसल रहे हैं गाइस, हम तो चप्पलों में, चप्पलों में मैं गौतम दीपांशु हम चप्पलों में, पोरवाल जी तो क्रॉक्स के, भैया महंगे लोग दिखाना। इतनी खुशी तो गाइस कहाँ पे पहुंच गए एक बार आप देखो, ये देखो भाई झरना, उधर गोलू पहुंच गया पहले ही, और यहाँ पे पानी तो बहुत ठंडा बता रहे भाई, हमें जाना है ये पूरा ऊपर चढ़ के जाना है, हमें झरना चढ़ के ऊपर जाना भाई। तो इंटरेस्टिंग होएगा आज का ब्लॉग, तो भाई ब्लॉग को स्किप मत करना यार, पूरा देखना ठीक है। गोलू लोग वहां पहुंच गए हैं, और ये इधर बिच्छू घास भी है भाई गौतम, ये जो है ये बिच्छू घास है, इससे बच के चलना भाई, ये वाली है, ये बिच्छू घास है जो कांटे से दिख रहे हैं, इसमें दाने दाने हो जाएंगे, आराम से चढ़ भाई। अब मैन वर्सेस वाइल्ड का आज वो हो रहा है, चढ़ना क्या नौजवान लौंडा तू, देख मेरी स्किल्स देख, तू गाइस देख रहे हो स्किल्स देख रहे हो, ऐसे ही चढ़ जाता हूँ ठेठ पहाड़ी, ये है बिच्छू घास गाइस। चलो दोस्तों ब्लॉग को कंटिन्यू कर रहे हैं ठीक है, एक बार लोकेशन देखो, पूरा एडवेंचर है, ये देख रहे हो वो उधर लोग देखो, भीड़ भी अच्छी खासी, आज संडे है इस वजह से भी बढ़िया भीड़ भी हो गई है, ये लोग वापस जा रहे हैं जा, पता नहीं खाली फोटो खिंचाने आए होंगे देखो। तो भैया हम करेंगे पूरे एडवेंचर गाइस, देख रहे हो ये लोग ऐसे ऐसे सरवाइव कर रहे हो, तुम्हारा भाई ब्लॉग बनाते हुए कैसे चले जा रहा है, देख रहे हो गाइस स्किल्स, कैमरा भी पूरा संभाल रहा हूँ, पूरा कैमरा, इसे कहते हैं भैया ठेठ पहाड़ी, पहाड़ से यूके 07 से। ए वो भाई पहुंच गए हैं, अभी ऊपर जाएंगे, ये देखो भाई कितना लंबा झरना, यहाँ से ऐसे ऐसे नीचे कंटिन्यू, नीचे को ऐसे नहीं दिखाऊंगा ऐसे, लोकेशन गाइस बोलू। हाँ बोल भाई, भाई पिछली बार जब ये लोग आए थे ना, मुझे लेके आए थे जब, तब इन्होंने वहाँ नीचे देखो नीचे यहाँ नहलाया था, पर मैं कहाँ मानता, मैं गया ऊपर, और अब इन्हें दिखाऊंगा इस बार की खूबसूरत जगह। हाँ अभी हमें और ऊपर जानी है, वहीं चढ़ाई जा रही है। चलो पोरवाल जी ब्लॉग बहुत लंबा होने वाला है, ये मेरी स्किल्स यार, ये देखो भाई दीपांशु स्ट्रगल करते हुए, क्यों भाई 100 किलो से ऊपर का बंदा है, चप्पल उतार ले दीपू, अब इन्हें बताओ कि करता कैसे, मैं बताऊं इधर देखना मुझे देखना कैसे करता। बेटा मैं तो ब्लॉग बनाते हुए एक हाथ से चढ़ जा रहा हूँ ऐसी, पोरवाल जी का आ रखा पिछवाड़े में खुसुड़ खुसुड़ के चढ़ रहे, और मैं बहन बड़बड़ बड़बड़ चढ़, देखो गाइस गोलू कैसे चढ़े, चप्पल उतार ले दीपू भाई, गिरियो मत यार, बहुत स्ट्रगल है जीवन में, चप्पल उतार ले भाई, उसका हाथ पकड़ लेना, कोसा पहुंच गया ऊपर, चल भाई गौतम इसका ये पकड़ ले, गौतम के हाथ से स्पीकर पकड़ ले, ये देखो गाइस आज के ब्लॉग में आपको पोरवाल जी के पश्चिमी द्वार के पूरे दर्शन हो गए। ये भैया पोरवाल जी के भी हाथ पांव जुड़ गए भाई, अब देखो तुम्हारा भाई कैसे चढ़ेगा, तुम्हारा भाई भैया किसी से कम नहीं, हट जा भाई, ये देखो भाई एक मिनट में चढ़ेगा तुम्हारा भाई, चैनल का लिंक मेरा देखना, हाँ हाँ नीचे भैया गौतम के चैनल का लिंक भी आ जाएगा, ये तो बहुत ही लंबा हो जाएगा आज का ब्लॉग भाई, यूं ही सुड़ 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 चढ़ दे रहा हूँ मैं तो, मुझे तो लग ही नहीं रहा कि मैं, ओहो ये देखो भाई झरने ही झरने, अभी हमें और ऊपर जाना है गाइस, आओ ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। ये देखो भाई कहाँ से आ रहे हैं हम, कितनी चढ़ाई पे पहुंच गए हैं, ये गहरा होगा यहाँ पे, ऐसे मत जाना, पूरा एडवेंचर है, नीचे रोड से आ गए हम ऊपर ऐसे जंगल में, घनी सी झाड़ियाँ, पोरवाल जी आराम से आना, लेकिन तुम्हारे भाई की कैमरा स्किल्स देख रहे हो भाई, ये आ गए हैं जंगल में, पूरे जंगल में आ गए, नदी नदी ऊपर को चढ़ते चढ़ते, और कुछ लोग टार्जन बन गए भाई, ये बरसातों में भाई मैं सजेस्ट करूंगा कि बरसातों में तो बिल्कुल मत आना,
क्योंकि जो पानी इधर बह रहा है ना वो पूरा इन इन पत्थरों में से ऐसे आता है। ठीक है, गोलू कहाँ है वो लोकेशन? इतना ऊपर तो नहीं आए थे हम, देखना। ओबे बिल्कुल कैमरे में भाई तगड़ा आ रहा है, एडवेंचर वाली लोकेशन आ रही। गाइस प्लीज जो वीडियो को यहाँ तक देख रहा है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। देख रहे हो कितनी मेहनत लग रही है। खैर हम तो इन्जॉय भी करते हैं, स्पेशली व्लॉग बनाने के लिए नहीं आते, हम हर संडे को आते ही आते हैं। लेकिन एक चीज़ गड़बड़ हो गई है कि आज मौसम जो है सूर्यदेव बिल्कुल साथ नहीं दे रहे। कल तक इतनी कड़कती धूप थी देहरादून में, और यहाँ देख रहे हो बादल अंधेरा अंधेरा कैसा हो रहा, आप देख ही रहे होगे कैमरे में। गोलू कहाँ पहुँचाएगा अब भाई, इतनी दूर ले आया गोलू? अभी आ गए, अभी आ गए, अभी आ गए करके पहले पहुँच गया लोकेशन में भाई। एक नंबर गौतम भाई, हो गया एडवेंचर है, एडवेंचर हो गया ना। गौतम कह रहा मैं यहाँ से कूद मारूंगा और फिर हम इसे एम्बुलेंस ले जाएंगे। पिछवाड़े छिल जाएगा, ज्यादा गहरा है नहीं, लेकिन आप देखो थोड़ा चौड़ा तो है यार। अपने पांच छह जने यहाँ पे पानी में फुतुर फुतुर तो कर ही लेंगे। बाकी देखो आवाज थोड़ी कम आ रही होगी क्योंकि पानी का शोर बहुत ज्यादा है। बने रहो ब्लॉग में आगे की मस्ती देखना। तो भाई यहाँ पे हम लोगों ने देखो टी शर्ट वीशर्ट उतार ली, लेकिन पहले लकड़ी इकट्ठी करके लकड़ी लाए, कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। अरे भैया टूटी नहीं है, कच्ची है तो। अरे भैया गिल्ली लग रही है, क्या कर रहे हो? गिल्ली है वो, ऊपर से ना पड़े भाई, किसी का सहारा बन जाएगी, बनता मिट्टी की पड़ रहा तू। पहले मैगी बनाए कि नहाए, तो भैया मेजोरिटी जो है पहले नहाने की तरफ है। ये देखो भैया कोच साहब भी आ गए हैं आज। ठंडा पानी है गरम? हाँ ठंडा गरम बताओ जरा। पोरवाल जी कपड़े चलो भाई चलो। पर भाई गंगा जी से ठंडा नहीं है, है ना? गंगा जी ज्यादा ठंडी थी, फिर तो नहा लेंगे। आओ परवाल जी जल्दी आओ, गौतम जल्दी उतार वे कपड़े उतार यहाँ ये फटाफट। हाँ जल्दी उतार ले फोन। तो गाइस चलो आप टाइम लैप पे देखो, आप सीधे रिकॉर्ड होगा टाइम लैप पे। देखो भाई एकदम अच्छी सी आग भी जला दी हमने, और ये अपना पानी उबल रहा है मैगी के लिए। और देखो कितने अच्छे से चूल्हे का मैनेज किया है दीपांशु भैया ने। थैंक यू सो मच दीपांशु भैया फॉर दिस अरेंजमेंट, योर मैनेजमेंट। कुछ कहना चाहोगे? ये पूरे ब्लॉग में गुस्से में दिख रहा है भाई। और उधर से आ गई अपनी मैगी आ रही गाइस, और ये देखो कुछ इस तरह की लोकेशन। अरे मैगी वाला प्रमोशन का पैसा दे दो। तो गाइस फाइनली गोलू ने जो है आग जला ली है, बिल्कुल बढ़िया सी आग वगैरह जल गई है, और अब उसके ऊपर भगोना भी। ओ गिर गया। अबे आग बुझा दी भाई, पानी गिरा दिया मैगी का, हाथ तुम्हारा सारी आग बुझ गई यार। अरे यार छूट रहा हो। अबे यार ये फिर गिर जाएगी भाई, पकड़ कर पतीले को। क्या बकचोदी रे, आज बनेगी मैगी ये इसी साल में। ला दीपांशु रख भाई अब, ये देर से हाँ। अब कैसे हुआ, हो गया भाई? लो ये कंटेंट मिस हो गया मुझसे, इसने बाल जला दिए, बगलों के बाल जला दिए बरवाल जी के। मानो भाई वो कंटेंट मिस हो गया यार। तो मैं सिकुड़ता हुआ बुगुला देखा है आपने, इस तरह का दिखता है कुछ। ये पहाड़ों वाली मैगी की मैगी। चियर्स। अबे रुक जा, मैं सही में कह रहा हूँ, रुक जा। आ जा जा। तो कह रहा है यार। अरे भाई
एकदम कड़कड़ाती ठंड, क्योंकि मैगी खाने के बाद हम फिर दोबारा घूमते थे। अब हमें यहाँ झरने पर आना, देखते हैं झरने पे कितना गहरा है और क्या क्या हो रहा है। एक बार झरने पे चार दुकान से चल। एकदम कड़कड़ाती ठंड, क्योंकि मैगी खाने के बाद हम फिर दोबारा घूमते थे। अब हमें यहाँ झरने पर आना, देखते हैं झरने पे कितना गहरा है और क्या क्या हो रहा है। एक बार झरने पे चार दुकान से चल। तो भाई मस्त करके नहा धो लिए थे, बढ़िया मजा आया, खूब इंजॉय किया। अगर आप लोगों को भी व्लॉग में देख के पता ही लग जाएगा कितना मजा आया होगा कितना नहीं। अगर आप लोगों को भी यहाँ आना है तो वो अभी और बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा लोकेशन और अब बाद में बताऊंगा। फिलहाल ठंड के मारे कांप रहे थे। तो भाई सारे भाई लोग जो है आग सेक रहे हैं, बढ़िया आग सेकी जा रही है गाइस। फिर इसके बाद चलते हैं नीचे को। तो जैसे मैं बोल रहा था ना कि हमेशा उतरना मुश्किल होता है, ये देखो स्ट्रगल देख रहे हो। आराम से आ, अब नीचे रख ले। ये देखो भाई सब स्ट्रगल, और इस तरह के आपको बहुत सारे झरने देखने को मिलेंगे। आजा आजा उल्टे करके आना गौतम, आराम से ही हो। ये देखो इस तरह के झरने आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। पानी यार वहाँ ऊपर से नीचे तो उतर गए, लेकिन गौतम के थोड़ा पाँव में चोट लग गई, एक जगह फिसल गया था। बहुत ही आराम से चल रहे हैं, क्योंकि ना एक तो चप्पल पहने हम लोगों ने, गौतम ने भी चप्पल पहने थे और गीला हो रहा था, तो वहाँ पे थोड़ा पत्ते जैसे भी थे तो पाँव फिसल गया था, मोच आ गई इसके। शुक्र है ज़्यादा चोट लगी नहीं। चलो अब जो भी है तो होते ही रहता है भाई एडवेंचर में। और ये कुछ इस तरह का झरना, ये ऐसा झरना दिखेगा आपको किमाड़ी पे। इस जगह की लोकेशन है, इस जगह का नाम है किमाड़ी, जो कि है लंबीधार डेरा माइन से 2 या 3 किलोमीटर पीछे ही है किमाड़ी पे। जगह का नाम भी किमाड़ी है, किमाड़ी वाला झरना वाटरफॉल के नाम से मशहूर है ये लोकेशन किमाड़ी। और ये झरना आपको दिख ही जाएगा, रोड से ही दिख जाएगा, ये सामने पुल है ना यहीं से दिख जाता है। चल भाई अब वहम मत पाल कुछ नहीं हुआ, ठीक हो जाएगा। तो भाई फाइनली पहुंच गए हम फिर से रोड पे, अब जाएंगे घर को। तो यहाँ की लोकेशन है किमाड़ी, आपको पहले भी बता दिया किमाड़ी पे। ये आपको ऐसा पुल दिखेगा, कुछ इस तरह की लोकेशन से पहचान जाओगे आप, वहाँ पे झरना दिख ही जाएगा। तो भाई अगर व्लॉग पसंद आए हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बस ऐसे ही प्यार बनाए रहो। जल्दी से 500 सब्सक्राइबर तो करवा ही दो। ये देखो इसके बेचारे के चोट लग गई चल ठीक हो जाएगा। ना स्वेलिंग नहीं आई है, वरना अभी तक अगर वो होता तो स्वेलिंग आ जाती। चल एक्सरे करा लेंगे प्रेमनगर हॉस्पिटल पे। तो बाय बाय गाइस, लव यू। तो भाई एडवेंचर जो था थोड़ा भारी पड़ जाता, बच गए। ये देखो एक्सरे निकलवा रहे हैं, उस्ताद का एक्सरे लग गई थी चोट, अब ठीक है, चलो शुक्र है नॉर्मल है। क्यों दे 500 कुछ कहना चाहोगे भैया? तो हम सब पहले कह रहे थे नहीं लगाया, वो तो समझाया था, कूद गया था ना, एक्साइटेड हो गया था, नया नया लड़का है ना, पहाड़ देख के कूद गया था ये। तो चलो कोई नहीं, गुड न्यूज है, चोट वगैरह ज्यादा नहीं है, मतलब चोट है ही नहीं, खाली अब गर्म पट्टी लगानी है, एक्सरे करवा लिया है।